दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जल्द कराए जाएंगे चुनाव। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने दिए संकेत। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी ही देर में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री को हवा में लेकर उड़ेगा यह अवैध किला, इस देश से खरीदेगा भारत। जी हां, तो भारत के इस विमान के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा कल से, अब सिर्फ इतने यात्रियों को प्रतिदिन मिलेगा दर्शन का लाभ। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों सरकार का बड़ा ऐलान, इस मास्क के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, पहने हुए पाया गया तो लगेगा जुर्माना। जी हां, आपको इस खबर के बारे में बताएंगे कि कौन सा मास्क है और सरकार ने इस पर क्यों प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ दोस्तों इस बैंक में खाता रखने पर 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे आप पैसा, आरबीआई ने बताई वजह। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10 बड़े ऐलान किए हैं। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने 10 बड़े ऐलान किए हैं, तो आपको बताएंगे कौन कौन से ऐलान है और किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया है, कितना आपको फायदा मिलने वाला है और देश का कितना विकास होने वाला है, आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए भी बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी है। जी हां, स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे जाबाज उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखना न भूले। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज का कोरोना वायरस अपडेट क्या है। दरअसल देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए मरीज हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या ने 25,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। दरअसल शुक्रवार को कोरोना के 65,200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नए केसों के आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,26,000 के पार हो गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना के 6,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री को हवा में लेकर उड़ेगा यह अवैध किला, नाम है एयर इंडिया 1। जय दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक सुरक्षा से लैस विमान मिलने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की विमान में यात्रा करते हैं। भारत ने अमेरिका से 2 बोइंग 777 विमान खरीदे हैं। इन विमानों की कीमत 8,458 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें से एक विमान की डिलीवरी अगस्त में होनी है। दरअसल भारत ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य शीर्ष हस्तियों की यात्रा के लिए अमेरिका से 2 बोइंग 777 विमानों का करार किया था। इन विमानों को अमेरिका में एक अवैध हवाई किले की तरह बदल दिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में जल्द कराए जाएंगे चुनाव। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने दिए संकेत। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर में जल्द चुनाव के संकेत दिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों आपको विचार से जम्मू कश्मीर को क्या फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना सही रहेगा या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये राज्य सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैष्णो देवी यात्रा कल से, अब सिर्फ 2,000 यात्री प्रतिदिन होंगे शामिल। जी दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। 8 पुजारियों और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब इसकी एसओपी में बदलाव किया गया है। इसमें एक सप्ताह प्रतिदिन केवल 2,000 तीर्थयात्री शामिल होगी। इन यात्रियों में जम्मू कश्मीर के 1900 तथा अन्य राज्यों के 100 लोग शामिल होंगे। पहले 5,000 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बैटरी वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से वैष्णो देवी यात्रा के लिए चालू रहेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहना ये मास्क तो लगेगा भारी जुर्माना। जी दोस्तों, पिछले महीने ही केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर N95 मास्क यानी N95 मास्क पहने जाने के खिलाफ चेतावनी जारी की थी।
और इसके इस्तेमाल से वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और इनका उपयोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। दरअसल स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए N95 वाल्व मास्क और किसी अन्य वाल्व युक्त मास्क के उपयोग को जनता के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹100 का जुर्माना भी देना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस बैंक में है खाता तो 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे आप, RBI ने बताई वजह। ध्यान दो तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि PMC बैंक में विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं है। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम का खुलासा होने के बाद RBI ने इस बैंक के लिक्विडिटी संकट को देखते हुए ये लिमिट लगाया था। RBI ने हाई कोर्ट में कहा कि 26 मार्च 2020 तक डिपॉजिट लायबिलिटी करीब 10,000 करोड़ रुपए की थी, जबकि बैंक के पास लिक्विड एसेट करीब 2955.73 करोड़ रुपए का ही है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी डिपॉजिटर्स को पूरी रकम विड्रॉल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना को मात देने वालों में 3 महीनों तक बनी रहती है इम्यूनिटी, स्टडी में हुआ खुलासा। जी दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई रखी है, लिहाजा दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस वायरस को लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट यानी अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वायरस को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनमें 3 महीनों तक ही इम्यूनिटी यानी वायरस से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। दरअसल अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इस एडवाइजर का मतलब यह है कि कोरोना को मात देने वाले लोग 3 महीनों तक दूसरों के साथ घूम फिर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हेल्थ नीति से लेकर साइबर नीति तक पीएम मोदी ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में किए 10 बड़े ऐलान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को लाल किले की प्राचीर से 10 बड़े ऐलान किए। हर भारतीय को हेल्थ कार्ड देने वाली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी बड़ी योजना की तत्काल प्रभाव से शुरू होने की उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही देश में नई साइबर सुरक्षा नीति लाने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताई है। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन पर चर्चा करते हुए कहा कि एक नहीं 3-3 वैक्सीनों पर काम चल रहा है। वही लाल किले की प्राचीर से सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक करीब 1.5 घंटे के लंबे भाषण के दौरान जानिए प्रधानमंत्री ने कौन कौन से 10 प्रमुख ऐलान किए हैं। नंबर 1, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा ऐलान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर किया। उन्होंने कहा कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हर भारतीय को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, आपका हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ कार्ड में समाहित होगी। वहीं भारत के हेल्थ सेक्टर में ये नई योजना एक क्रांति लेकर आएगी। नंबर 2, नई साइबर सिक्योरिटी नीति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। भारत इस संदर्भ में सचेत है, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए नए फैसले लेने जा रहा है और नई नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित कर रहा है। आने वाले समय में नई साइबर सिक्योरिटी नीति लाई जाएगी। नंबर 3, कोरोना वैक्सीन पर अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को बताया कि आज भारत में कोरोना की 1 नहीं 2 नहीं 3-3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी देश में उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है। नंबर 4, NCC का विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के विस्तार का ऐलान किया। उन्होंने देश को बताया कि अब NCC का विस्तार देश के 173 सीमाओं और तटीय जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए NCC कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी करीब 1/3 बेटियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर 5, लक्षद्वीप की इंटरनेट कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अगले 1,000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। नंबर 6, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर का होगा जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 1,000 दिन में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश के 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। नंबर 7, प्रोजेक्ट लॉइन और डॉल्फिन। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट लॉइन और डॉल्फिन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। बीते कुछ समय से देश में शेरों की, टाइगरों की आबादी तेज गति से बढ़ी है। वहीं अब देश में हमारे ऐसे शेरों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉइन की शुरुआत होने जा रही है। वहीं डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट चलाने पर जोर दिया गया है। नंबर 8,
16 करोड़ का खर्च। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। इस पर देश 16 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स को चिन्हित भी किया जा चुका है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की नई क्रांति की तरह होगा। नंबर 9, नेबरहुड पॉलिसी की विस्तार पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसियों के साथ रिश्तों की मजबूती और उसके विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमसे जमीन से जुड़े हो या समंदर से, अपने संबंधों को हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती है, बल्कि वे भी है जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। नंबर 10, प्रदूषण के खिलाफ अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहरों से प्रदूषण खत्म करने की योजना की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ एक विशेष अभियान पर काम चल रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।